तो रहे कि आज ही अस्मिता पे प्राइमरी इंक्वायरी कर। ये तस्वीरें देखिए, पहले गुंडागर्दी और उसके बाद प्रदर्शन। नेशनल वॉयस पर जब खबर चली तो समाजवादी पार्टी से लेकर सीएम कार्यालय तक में हड़कंप मच गया। विजय बहादुर, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष था और मौजूदा वक्त में पंचायत सदस्य है, उसकी गुंडागर्दी की खबर मिलते ही सीएम अखिलेश यादव ने विजय बहादुर और उसकी पत्नी माया को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और जो पुलिस उसके साथ चल रही थी उसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गुरुवार सुबह ग्राम समाज की जमीन पर दीवार बनवाने के विरोध से गुस्साए विजय बहादुर अपने हिस्ट्रीशीटर साथी रघुनंदन कालिया और करीब 150 गुंडों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे अधिवक्ता इंदर लोधी के घर में घुसकर मारपीट और उपद्रव किया। इस मामले में गुरुवार देर शाम विजय बहादुर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शायद मुलायम सिंह ऐसे ही कार्यकर्ताओं से नाराज होकर बिफड़ पड़े। सरकार बनाएंगे तो कुछ लोगों का आरक्षण जो चल रहा है उस आरक्षण के चलते आपको नुकसान होगा, आपके कुछ कार्यकर्ताओं का आरक्षण और तो वो चारे लगे हैं, ये कुछ लोग हैं जो केवल जमीन और पैसा लूट खसूट और दबंग करें। और आप लोग क्यों नहीं उनके साथ बोलते, क्यों नहीं हमें लेते हो, तो हमें पता तो चलता रहता है, लेकिन अब आप लोग कह रहे गोपनीय पत्र लेकर के बता नहीं रहे। आज हम पढ़ के आ रहे हैं, आज पढ़ के आ रहे हैं, मेरी खुशी है और परिणाम दे दिए उसने। वहीं कांग्रेस ऐसे वाक्यों को सियासी बनाकर अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधती है। सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन दोनों ही अपना इकबाल खो चुका है और मुलायम सिंह जी की तो बड़ी स्थिति पुरानी है कि मैं भी पीऊँ मैं खाने में और चंदा भी दो मस्जिद में। मुलायम सिंह यादव जी के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे शासन और प्रशासन हो, कई बार मुलायम सिंह जी कह चुके हैं कि इनकी चूड़ी टाइट करनी है, तो पिछले 4 साल से मुलायम सिंह जी चूड़ी टाइट कर रहे हैं, या तो इनकी चूड़ी खराब है या इनका पेचकस खराब है। मुलायम सिंह जी को देखना चाहिए कि ये कार्यकर्ता जितने उद्दंड हैं, जो लूट में अपहरण में और तमाम तरीके की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, उनको कानून के सम्मुख प्रस्तुत करें वरना गद्दी छोड़ें। बीजेपी लगातार कह रही है कि एसपी गुंडों की पार्टी है और कानून व्यवस्था को ही कमल ने 2017 के लिए पहला मुद्दा बना रखा है, जिसको लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन भी कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी श्री मुलायम सिंह जी के परिवार के आखिरी शासक हैं, अब दोबारा समाजवादी पार्टी कभी नहीं आएगी। जिस प्रकार से कहा जाए कि चाहे जितनी कोशिश कर लो कुछ लोग नहीं सुधर सकते, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती, इनके नेता सुधर नहीं सकते। माफिया हों चाहे अपराधी हों चाहे गुंडे हों, इनके संरक्षण से सपा भी पलती बढ़ती है और सपा के संरक्षण से यह पल बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पूरी तबाही मचा करके रखे हुए हैं। और इस सरकार को जल्द से जल्द जाना चाहिए। नेताजी यह भी कहते अगर तो बहुत अच्छा होता कि अखिलेश यादव जी अब आप इस्तीफा दो, क्योंकि आप सरकार को नहीं चला सके, आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आपने विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम किया है, आपने अपराध को बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं से खेलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने DP यादव और मुख्तार अंसारी को पार्टी में न लेकर संदेश दिया कि पार्टी में गुंडे माफिया की नो एंट्री है। शायद समाजवादी पार्टी अपनी छवि सुधारने की कोशिश में है और 2017 में जब पार्टी को सियासी